हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मंगलवार को बाड़मेर जिले के राशन विक्रेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में राशन डीलरों ने प्रति क्विंटल गेहूं पर मिलने वाले 125 रुपए कमीशन को बढ़ाकर 300 रुपए करने, 5 मशीने के पेटे 10 रुपए प्रति क्विंटल की जा रही कटौती को बंद करवाने, 5 मेंटेनेंस के पेटे 5.21 रुपए की कटौती को बंद करवाने की मांग की है। उच्चतम मूल्य दुकानदार संघ जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चंदेल ने राशन डीलरों को समस्याओं पर अपनी बात रखी और मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को उचित मूल्य दुकान का आवंटन करने की मांग रखी। उचित मूल्य दुकानदार संघ जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चंदेल ने राशन डीलरों को समस्याओं पर अपनी बात रखी और मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को उचित मूल्य दुकान का आवंटन करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर की आयु सीमा जो वर्तमान में 60 वर्ष है, राशन डीलर की योग्यता 10वीं पास कर आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन की जाए, वहीं मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जाए। साथ ही राशन सामग्री वाहन से सामग्री की उतरवाई को 6 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10 रुपए करवाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान उचित मूल्य दुकानदार संघ बाड़मेर के प्रतिनिधि और राशन डीलर मौजूद रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।